में वैक्सीन की कमी। प्रोडक्शन धीरे धीरे बढ़ रही है, ये एक प्लान्ड अफेयर है, और उसी स्पीड के बढ़ते बढ़ते जो वैक्सीन की अवेलेबिलिटी हो रही है, हमें वैक्सीन के प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना है। यहाँ पे हमने कई बार कहा है कि ये एक 100 मीटर रेस नहीं है, ये एक लंबी देर तक चलने वाला है, हमारी जर्नी है, हमारा मिशन है, और जैसे जैसे वैक्सीन प्रोड्यूस होता है, बिना डिले करे वो सीधा वैक्सीन लगे, अगले ही कुछ दिन में लग जाए, ये कोशिश होती है। तो ये बड़ा एक स्ट्रीमलाइन सिस्टम होता है, डायनेमिक सिस्टम होता है। CDL की क्लियरेंस मिलती है स्टेबिलिटी टेस्ट के बाद, बैच रिलीज होता है, उसको प्लानिंग से प्लान करके तरीके से स्टेट्स के साथ शेयर किया जाता है। स्टेट्स की जिम्मेवारी बनती है कि उसको मद्देनजर रखते हुए ही अपनी आगे जो माइक्रो प्लानिंग वो की जाए। सर, मेडिकल वेस्टेज को ठीक से मैनेज नहीं किया जाए तो कितने खतरा बढ़ सकता है आगे? मेडिकल वेस्टेज के बारे में सीधे साधे प्रोटोकॉल्स हैं। मेडिकल वेस्ट जो है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, पर्यावरण के लिए हानिकारक है। इसके लिए जो प्रोटोकॉल्स हैं, हमें उनकी पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करना चाहिए, चाहे वो सिरिंजेस हैं, चाहे वो PPE है, चाहे मास्क है, चाहे ग्लव्स हैं।